हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी परिज्ञान और लेखक योग्यता यानी कि हिंदी के 60 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं एडमिट कार्ड सबके आ चुके हैं, 24 दिसंबर को 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम है, तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं। पहला क्वेश्चन, वृद्धि का ब्लूम शब्द आपको बताना है कि वृद्धि का ब्लूम शब्द क्या होगा। तो वृद्धि का ब्लूम शब्द होगा 6, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वलराम का पर्यायवाची क्या होगा। बलराम का पर्यायवाची हमको बताना है, तो वलराम का पर्यायवाची होगा बलभद्र, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के पहले आता है हिंदी वर्ण क्रम में? तो किसके पहले आता है? का के पहले आता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या है 33, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथन में। चा शब्द की या चा वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसने पत्र लिखा रेखांकित, यानी कि उसने पे रेखांकित भाग है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो यहां पर आपका सर्वनाम होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा आपको छांटना है इन चारों ऑप्शन में। वकील जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अधिकरण कारक के चिन्ह कौन सा होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में यहाँ पर, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन करेक्ट। बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बेमेल शब्द आपको बताना है आभूषण अलंकार जेवर या नागर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नागर, क्योंकि इन तीनों का ही मतलब होता है सजना सवरना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री किस प्रकार से लिखा जाता है जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवित्री किस प्रकार से लिखा जाता है? सही तरीके से ये लिखा हो, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो जल्दी से बता दीजिए कि कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा। कपाट का तद्भव शब्द हमको बताना है, तो कपाट का तद्भव शब्द होगा किवाड़, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको क्या कहते हैं? जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे हम आजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? आजानुबाहु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। अन्वेषण का संधि विच्छेद करना है, क्या होगा अन्वेषण का संधि विच्छेद? अनुपिसल एषण, अनु प्लस एषण, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। दो रिक्त स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिख रहे होंगे, उन दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स में सूटेबल वर्ड आपको बताना है। नीर पीकर कोयला नील में जाकर बैठ गया। नीर पीकर कोयल अपने नील में जाके बैठ गई, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। नवग्रह शब्द में कौन सा समास होगा? मैंने आपको पहले ही बताया, पहला पद अगर संख्यावाचक है तो आंख बंद करके दिग्गु समास लगा दो, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। छंद से संबंधित गणों की संख्या सही संख्या बताइए। तो छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? 8, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अपहरण में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। मधुशाला के लेखक आप सभी लोग जानते होंगे हरिवंश राय बच्चन जो है वो मधुशाला मधुबाला के लेखक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करने अंश अस अस, ये तीनों के तीनों वर्ड तद्भव है, अंश जो हो जाएगा वो तत्सम शब्द हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का क्या अर्थ है? आप सभी लोग जानते होंगे, कई बार अपनी बोलचाल की भाषा में यूज किया होगा इस लोकोक्ति का, तो परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। यामा की रचयिता कौन है? इस यामा पुस्तक के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा। संयुक्त वाक्य का चयन करना है कि कौन सा संयुक्त वाक्य है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। काम समाप्त करो और जाओ, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपको 50 बार बताया होगा कि हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देवनागरी लिपि आपका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, यहाँ पर यह रहा लावा करके आपके चार सेंटेंस दिए, इन चार सेंटेंसों को आपको क्रम के अनुसार लगाना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, फिर कौन सा और अंतिम में कौन सा सेंटेंस आपके सामने ये रहे। देख लीजिए दोस्तों, सकारात्मक सोच, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, फिर चार सेंटेंस आपके सामने दिए हैं, चार वाक, या रा ला वा, और एंड में ही साथ करता है, ये भी आपका कॉमन है। तो इन चारों ही ऑप्शंस को आपको सजाना है, और ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, और देख लीजिए कौन सा सेंटेंस कौन सा वाक्य पहले आएगा, ये आपको बताना है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरह ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, यानी कि सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, ठीक है। फिर या सफलता ही साक्षरता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़ना का क्रिया भेद है, पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है ये हमको बताना है। तो पढ़ना जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि अकर्मक, समकर्मक और द्विकर्मक, किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं है पढ़ना, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अकर्मक सकर्मक क्रिया कहाँ पर होती है आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। कल के ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। कई बार आपको बताया हिंदी वर्णमाला में जितने प्रकार के सा होते हैं उन्हीं को हम ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सा सलजम, सा सपेरा, सा षटकोण और हा से हलवाला, चारों ही ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थाई भाव की संख्या, स्थाई भाव की संख्या आपको बताना है कि स्थाई भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नौ प्रकार के होते हैं स्थाई भाव। शांत रस का स्थाई भाव आपको बताना है, तो शांत रस का स्थाई भाव होगा निर्वेद, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, तो जितने भी छंद होते हैं वे सारे के सारे दोनों में ही, यानी कि चरणों में और यति में ही विभक्त होते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी भारत, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये जो मुख्यालय स्थित है ये आपका चेन्नई में स्थित है। मुझे पता है कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, उसकी वजह यह है क्योंकि आप लोगों को केवल और केवल रिवीजन करना है आपका, क्योंकि अब आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, केवल देखते ही साथ क्वेश्चन आंसर लगाने का टाइम है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम हमको बताना है, तो सबसे पहले पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन से हैं, इन तीनों ही सेंटेंस में विशेष आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका घर आदमी वस्त्र जो है ये विशेष हैं। को किस कारक चिन्ह का विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को, तो को कर्म कारक की है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा अमानक या अमानक वर्ण है, झा जो है वो एक अमानक वर्ण है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लीजिए दोस्तों, ये आपके सामने गद्यांश है, ये पूरा गद्यांश लिखा हुआ है, 36 से लेके 40, यानी कि 36, 37, 38, 39, 40, पांच क्वेश्चंस के आंसर आपको इस गद्यांश पढ़ करके देने हैं। ये आधा गद्यांश है, आधा और बता दे रहा हूँ, आधा ये है, तो आराम से आप पढ़ लीजिए और छह क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 36, 37, 38, 39, 40, इनके आपको आंसर खुद ही देना है। संज्ञा का भेद लिखिए, कौन सा भेद है, भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है, तो वीरता जो है वो उसमें संज्ञा का कौन सा भेद है, तो वीरता में कौन सा भेद है, भाववाचक संज्ञा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक में जल्दी से पद का कौन सा भेद है, तो कौन सा भेद है, क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तीन रुबाइयां के रचनाकार कौन हैं, तो तीन रुबाइयों के जो रचनाकार हैं वे हरिवंश राय बच्चन, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। खुशी मनाना किस मुहावरे का अर्थ है, तो खुशी मनाना घी के दीपक जलाना या दिए जलाना, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों, आपका 45 से 47 यानी कि 45, 46, 47 तीन क्वेश्चन में आपको विलोम शब्द बताना है। अमर का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते होंगे अमर का विलोम शब्द होगा मृत, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, उपकार का विलोम शब्द होगा अपकार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा, तो तिमिर का विलोम शब्द होगा आलोक, पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, अनामिका तो इनकी है, नए पत्ते ये भी है, आराधना ये भी है, वीरांगना ये नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 49 से 50 तक आपको पर्यायवाची बताना है। कार मुक्का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। कार मुक्का पर्यायवाची, तो कार मुक्का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, धनुष, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मिनीसी का पर्यायवाची हमको बताना है कि मिनीसी का पर्यायवाची क्या होगा, मिनीसी का पर्यायवाची होगा प्रग, पहला ऑप्शन करेक्ट। मिनीसी का पर्यायवाची प्रग मैंने आपको बता दिया। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है, तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है ये पूर्वी हिंदी बोली है, पहला ऑप्शन करेक्ट। छ वर्ण किसके योग से बनता है, तो छ जो एक संयुक्त व्यंजन है ये का और सा से मिलकर बना होता है, और ध्यान रखना हलन जो है वो का में ही लगा होगा, देख लो, नहीं तो कई बार आपको घुमाने के लिए दूसरे पद में आपका हलन लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या, अभी व्यंजनों की पढ़ी थी 33, अब हम पढ़ रहे हैं स्वरों की, तो स्वरों की संख्या कितनी है, ये है 13, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डैश का शाब्दिक अर्थ भाव को विशेष रूप से प्रवर्तित करना करने वाला, तो किसका शाब्दिक अर्थ होता है, तो किसका शाब्दिक अर्थ होता है, ये विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है, भाव को विशेष रूप से प्रवर्तित करने वाला, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। कर्मधारय समास किसमें है ये हमको बताना है, तो देखो चक्रपाणी में आपका बहुव्रीय समास होगा, कौन सा होगा, बहुव्रीय, तो यहां पर तो होगा नहीं। चतुर्युग्म में भी आपका बहुव्रीय समास होगा, ठीक है, माता पिता में द्वंद्व समास होगा, नीलोत्पलम में होगा आपका कर्मधारय समास, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिए तो को सूल, प्रश्न पंक्ति में कौन सा छंद है, तो यहां पर कौन सा छंद है, यहां दोहा छंद है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, तो यह कैसा वाक्य है, तो ये जो है एक मिश्र वाक्य है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आंसू का बहुवचन आपको बताना है, तो भैया आंसू का जो बहुवचन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसुओं, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है कि यौगिक शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है, तो पाठशाला जो है वो एक यौगिक शब्द है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके 60 हिंदी के क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम 24 दिसंबर को है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों के तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।